जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया। केरल की सबसे कम उम्र की पहली महिला IPS अधिकारी राष्ट्रपति पदक और राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली कंचन चौधरी भट्टाचार्य, असम के बोडो उग्रवादियों को धूल चटाने वाली संयुक्ता पाराशर। आज बात करेंगे ऐसी ही खूबसूरत व जांबाज महिलाओं की, जिन्होंने समाज की धारणा को बदल कर रख दिया। केरल कैडर की सबसे कम उम्र की IPS अधिकारी मैरिन जोसेफ ने 25 वर्ष की उम्र में ही IPS की परीक्षा 2012 में पास कर ली थी, वो भी एक ही प्रयास में। IPS अधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद से ही पूरा देश जान गया कि मैरिन जोसेफ आखिर है कौन। दिल्ली में पली बढ़ी मैरिन जोसेफ ने सेंट स्टीफन कॉलेज से BA और MA किया था। असम की पहली महिला IPS अधिकारी संयुक्ता पाराशर, जिसका जन्म 3 अक्टूबर 1979 को असम में ही हुआ था। किसी राज्य से IPS अधिकारी बनना, और वो भी सबसे पहले, ये काफी गौरव वाली बात है। वर्तमान समय में संयुक्ता सोनितपुर में एक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत है। अपने कड़े तेवर की वजह से चर्चा में रहने वाली डॉक्टर रोशन जेकब को बुलंदशहर का DM बनाया गया है, और 100 दिन से भी कम कार्यकाल में रोशन ने वो कर दिखाया जो कोई दूसरा नहीं कर सका। सरकारी जमीनों से कब्जे हटवाने, भूमाफिया पर कार्रवाई करने से लेकर पीड़ितों की तुरंत सुनवाई करने के इन कारणों की वजह से ही बुलंदशहर SDM का आज भी गुणगान गाता है। स्मिता सभरवाल, जिसका जन्म 1977 में दार्जिलिंग में हुआ था। स्मिता पहली IAS महिला है जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया है। एक महिला होने के नाते इस शीर्षक व पदक से सम्मानित किया जाना अपने आप में बड़ी गर्व की बात है। साथ ही स्मिता को पीपल्स अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज भी लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है। जनाब, ये सभी महिलाएं ही हैं जिन्होंने हमारे समाज में फैली इस बुरी सोच को हिला कर रख दिया है कि अगर तुम लड़की हो तुमसे कुछ नहीं होगा। आप पुरुष या महिला जो भी हो, आज आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ यही गुजारिश है कि बेटी को अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो, क्योंकि लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती पर भगवान है बेटी। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार तिवारी हूँ, सुरवाला जिला सिवान बिहार से। दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाला बटन दबा के, उसके बाद दोस्तों घंटी वाला बटन भी दबा लीजिए,